सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत करदी हाँ। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असी करांगे पंजाब दे कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट MCQ जिहड़े कि पंजाब दी GK दे नाल रिलेटिड आ ते बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। तुहानूं वीडियो देख के ही पता चल जाएगा कि किन्ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने इस दे विच। ठीक है जी, तो इस वीडियो शुरू करन तो पहला मैं तुहाडे तो माफ़ी मंगदी हाँ पिछलियां दोनों वीडियोज़ दे लई जिहदे विच दोनों नूं मिला के 7.5 क्वेश्चन गलत हो गए सी। इस वीडियो दे लास्ट दे विच असी उन्हां क्वेश्चनस बारे डिस्कस करांगे। तो मैं जरूर कहना चाहवांगी कि अगे तो किसी भी वीडियो दे विच इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेगा तुहानू देखण दे लई। तो मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि तुहानू गलत क्वेश्चन देख के 2-3 तो इलावा किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोलिया तो उन्होंने समझिया तो मैनू अगे दसिया। ठीक है जी, उस लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ ते माफ़ी मंगदी हाँ अपनी गलती दे लई। फस्ट क्वेश्चन आ जी मेरे कोले, पंजाब कमांडो पुलिस दा हैडक्वार्टर कित्थे स्थित है? राइट आंसर आ जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर ए पटियाला। हर एक क्वेश्चन का आंसर तुसी पहला अपने माइंड दे विच सोचना होगा। इहदा आंसर आ जी पटियाला। पटियाला दे विच स्थित आ पंजाब कमांडो पुलिस दा हैडक्वार्टर। हुण असी गल कीती आ पटियाला दी, तां पटियाला दी स्थापना किने कीती सी? बाबा आला जी ने कीती सी। पटियाला दे विच मोती महल आ ते पटियाला दे विच ही सीस महल आ, ये तुसी याद रखना। ठीक है, हुण विच ऑप्शन नंबर एक साडे कोले हैगी आ जी, सैकेंड चंडीगढ़। चंडीगढ़ दे बारे भी असी गल कर लैने आ। चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा शहर दा नाम आ इह चंडी मंदिर ते पिया सीगा। ते उस तों बाद देखो चंडीगढ़ दा डिज़ाइन किने कीता सीगा? चंडीगढ़ दा डिज़ाइन कीता सीगा ली कारबूजियन ने। ठीक है, सुखना झील भी चंडीगढ़ दे विच आ। ते चंडीगढ़ दा दिल किसनू कहा जांदा? इह क्वेश्चन इदां भी आ जांदा वा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जांदा। चंडीगढ़ दा दिल सैक्टर 17 नूं कहा जांदा वा, ये तुसी याद रखना। ठीक है, हुण एक ऑप्शन हैगी आ साडे कोल इहदे विच लुधियाणा। तो लुधियाणा बारे देखो, लुधियाणा नूं पंजाब दा मनचेस्टर कहा जांदा वा। तो जनसंख्या दे पक्खों पंजाब दा सब तों वड्डा ज़िला वा लुधियाणा। ठीक है, ये तुसी याद रखना। तो फिर उस तों बाद साडे कोल गल हुई आ जी मोहाली दी। मोहाली नूं पंजाब दी इलैक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जांदा वा, ये भी तुसी याद रखना। ठीक है जी, हुण अगे देखो असी गल कर रहे हां पंजाब पुलिस दी, ते साडे टॉपिक आ जिहड़े ये भी पंजाब पुलिस ते ही चल रहे हैं। तो सब तो पहला देखो, पंजाब पुलिस दा गठन 1861 ईस्वी दे विच होया सी। 1861 ईस्वी दे विच होया सीगा। ते पंजाब पुलिस दा हैड ऑफिस कित्थे आ? ये चंडीगढ़ दे विच आ। चंडीगढ़ बारे मैं तुहानूं दस चुकी हाँ सारा। ठीक है, ते होर देखो पंजाब पुलिस डे कदों मनाया जांदा वा? हाँ जी, पंजाब पुलिस डे आ जिहड़ा ये हरेक साल 21 अक्तूबर नूं मनाया जांदा, ये भी तुसी याद रखना। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब दी खेड राजधानी किस नूं कहा जांदा है? राइट आंसर आ जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर डी पटियाला। पंजाब दी खेड राजधानी पटियाला नूं कहा जांदा है। ऑप्शन नंबर ए की गल करिए लुधियाणा, तो इस नूं पंजाब दी आर्थिक राजधानी अते उद्योगिक राजधानी कहा जांदा वा, ये इंपोर्टेंट आ याद रखना। लुधियाणा नूं पंजाब दी आर्थिक अते उद्योगिक राजधानी कहा जांदा है। हुण जे असी गल करिए चंडीगढ़ दी, तो चंडीगढ़ जिहड़ी पंजाब दी राजधानी मेन आ उह हैगी आ जी चंडीगढ़, तो हरियाणा दी भी राजधानी चंडीगढ़ ही आ, ये भी तुसी याद रखना। हुण साढ़े कोले गल हुई है मोहाली दी, मोहाली नूं पंजाब दी इलैक्ट्रॉनिक सिटी कहा जांदा, ये तुसी याद रखना। ठीक है जी, अगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंडीगढ़ शहर दी हद किन्ने राज्यां दे नाल लगदी आ? हाँ जी, चंडीगढ़ दी शहर दी जिहड़ी हद आ ये पंजाब दे किन्ने राज्यां दे नाल लगदी आ? राइट आंसर आ जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर सी 3। चंडीगढ़ शहर की हद 3 राज्यां दे नाल लगदी है। वह कि राज आ? सॉरी, मैं पंजाब दे राज बोल दिता सी विच। हाँ जी, वह कि राज आ जिन्हां नाल चंडीगढ़ शहर की हद लगती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब अते हरियाणा दे नाल चंडीगढ़ शहर की हद लगती है। ये राज आ 3, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। हाँ जी, जल्दी दे विच कोई वर्ड गलत बोलिया जाता उस दे लई मैं माफ़ी मंगदी हाँ। अगे तो मैं ध्यान रखूँगी कि हौली बोलना। हाँ जी,
महाराजा रणजीत सिंह सम्मान किस नाल संबंधित है? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर ए खेड दे नाल। हाँ जी खेड दे नाल संबंधित आ महाराजा रणजीत सिंह सम्मान। हाँ जी एक अवार्ड दिता जाता वा जिदे बारे असं गल कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड। ये किमें दिता जाता वा ये चैंपियनशिप पद्धर के दिता जाता वा ठीक है खेडों के दिता जाता वा जिमें देखो ये खेडों के सब तो पहला किनू मिलया सीगा प्रगट सिंह मिलया सीगा ठीक है ये तुसी याद रखना। तो ये है कि आ प्रगट सिंह वैसे ओलंपियन सीगे उन्होंने मिलया सीगा ओलंपियन दे विच ते इहदे विच है कि इहदे विच महाराजा रणजीत सिंह की एक ट्रॉफी आ ते 5 लाख रुपए की राशि दिती जाती है ये भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे को देश भगत यादगार हाल ही नाल सॉरी जेद भग देश भगत यादगार हाल किस नाल संबंधित आ। हाँ जी देश भगत यादगार हॉल किस नाल संबंधित आ। राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर डी गदर लहर। गदर लहर दे नाल संबंधित आ ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे को पंजाब दे केड़े जिले च मुस्लिम आबादी सब तो वध है? उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर तुहानू सारयां नू पता होगा। राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी मरेलकोटला। मरेलकोटला दे विच सब तो वध मुस्लिम आबादी है ठीक है जी ये तुसी याद रखना। हुण मरेलकोटला की असं गल कर लें इंपोर्टेंट आ 23वां जिला बन गया है पंजाब का मरेलकोटला। कदों बनया सी 14 मई 2021 नू ईद वाले दिन बनया सी ठीक है ये भी तुसी याद रखना। हुण साडे कोल इत्थे गल होई आ इक आनंदपुर साहिब की। आनंदपुर साहिब की स्थापना सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कीती सी ठीक है ये तुसी याद रखना। तो अगे साडे कोल गल होई आ फरीदकोट की। देखो फरीदकोट की गल हुई आ तो बाबा फरीद के नाम पर रख्या गया सी फरीदकोट शहर का नाम ये भी तुसी याद रखना ठीक है जी। हुण देखो अगे क्वेश्चन करते हैं असी खेत्रफल के आधार पर पंजाब का सब तो छोटा मंडल केड़ा है? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर बी रोपड़। खेत्रफल के आधार पर पंजाब का सब तो छोटा मंडल केड़ा है? रोपड़। सब तो पहला तुहानू ये पता होना जरूरी है कि पंजाब दे विच कुल किन्ने मंडल हैं जाने कि डिविजना किनिया हैं तो 5 डिविजन आ जी साडे पंजाब दे विच। ते सब तो छोटी केड़ी है? रोपड़ आ। ते सब तो वड्डी केड़ी आ? सब तो वड्डी हैगी है जी जलंधर ठीक है ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन पंजाब राज दा गठन किस दे आधार पर किया गया सी? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी भाषा के आधार पर। पंजाब राज दा गठन भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966 दे विच कीता गया सी ठीक है ये तुसी याद रखना। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पंजाब दे किन्ने जिलों की हद हरियाणा राज नाल लगती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है जी मेरे को 6। पंजाब दे 6 जिले आ जिन्हां दी हद हरियाणा दे नाल लगदी आ। नैक्सट क्वेश्चन निशान साहिब सब तो पहला किसने लहराया सी? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर ए हरगोबिंद सिंह जी ने। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने निशान साहिब सब तो पहला लहराया सी। हाँ जी मीरी अते पीरी नाम दियां दो तलवारां भी श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने धारण कीतियां सी। लंगर की प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की सी ये तुसी याद रखना ठीक है। बच्चे की करते हैं गुरु अमरदास जी ला के आते हैं नहीं ये गलत आ। लंगर की प्रथा वा जी ये गुरु नानक देव जी ने शुरू की सी। इस तो इलावा श्री गुरु नानक देव जी जो अपने कोल पाकिस्तान दे विच शहर आ उस शहर की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने की सी। केड़ा शहर आ? करतारपुर साहिब ठीक है ये तुसी याद रखना। जिहड़ा एक शहर पंजाब दे विच आउंदा करतारपुर साहिब उस दी स्थापना कीती सी जी श्री गुरु अर्जन देव जी ने जो कि अपने पंजाब दे विच आ ठीक है ये भी तुसी याद रखना। जी जेकर वीडियो चंगी लग रही होवे तां प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर कर देना। तो पिछली वीडियो वाले ज़्यादा ध्यान ना दो मैं कह चुकी हाँ कि अगे तो इस तरह का नहीं होगा जिहड़ा पिछली वीडियो दे विच मिसटेक आई आ मेरे तो। हाँ जी वो वीडियो देखो मैनू इन्ने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सानू इस टॉपिक ते करवाओ इस टॉपिक ते करवाओ। मैनू ये कि जिस तरह जो मंग रहा वा सब दियां मंगा मैं पूरियां करा तां उस करके इन्नी छेती दे विच मैनू नहीं पता लग्या कि मैं की गलतियां कर दित्तियां। वो वीडियो देखने तो बाद ही पता चलिया मैं वीडियो नू एक बार भी चैक नहीं कर पाई सी टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है जी। अगे तो इस तरह का नहीं होगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे को देग तेग फतेह का नारा किसने दिता सी? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर डी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दिता सी।
ठीक है जी। देख तेग फतेह का नारा किने दिता सी? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने दिता सी। हुण असीं गल कीती है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे इस टॉपिक दे विचों, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी जीके दे नाल जिहड़े सानूं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आउंदे आ, ठीक है। तो तुसीं याद रखना सब तो पहला तो उन्होंने नाम दे ही आउंदे आ। देखो बंदा सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे बचपन का नाम की सी? ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਫਾਜ਼ਿਲ ਬੱਟੂ। ਫਾਜ਼ਿਲ ਬੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੰਗਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਤੁਸੀਂ 29 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਇਸ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 29। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ 69%, 69% ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹਰਦੁਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੁਕਟੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਮੁਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹਰਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਸਕਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਸਕਾ ਮਸਜਿਦ ਆ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਕਾ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, 100 ਮੀਟਰ। ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 200 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 200 ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਟੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਸੰਮੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੰਗੜਾ।
ये नहीं सीगा, ये गलती नाल बोलिया गया मेरे को। कार्टून नाम का साज केड़े नाच नाल संबंधित आ? राइट आंसर है जी मेरे को भंगड़ा। इस तो इलावा जेकर क्वेश्चन इदा आ जाए कि पंजाब दे लोक नाच केड़े हन, तो राइट आंसर है जी मेरे को फिर गिद्धा अते भंगड़ा। ठीक है, पंजाब दे लोक नाच केड़े हन? गिद्धा अते भंगड़ा, ये भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी, भंगड़े का शहर किसनों कहा जाता है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए सियालकोट। सियालकोट नू भंगड़े का शहर कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन, लुकन मिची की है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए खेड। लुकन मिची एक खेड का नाम आ। ठीक है जी, ये तुसी याद रखना। जेकर क्वेश्चन इतना आ जाए कि पंजाब की राज खेड केड़ी आ, तो तुसी की लिखोगे? कबड्डी। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब की राज खेड केड़ी है? तो राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी कबड्डी। नैक्सट क्वेश्चन, उधम सिंह शहीदी मेला कित्थे लगता है? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर बी सुनाम दे विच लगता है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब की सरकारी भाषा केड़ी है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए माझी। पंजाब की सरकारी भाषा केड़ी है? माझी। हाँ जी, इस तो इलावा माझी नू उपभाषा का दर्जा भी दिता गया वा। ये पंजाब के चार जिलों के बोली जाती है, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण। ध्यान नाल सुनना, इंपॉर्टेंट है, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण। इस तो इलावा जे असी गल करिए तो इसनों एक होर नाम दे कहा जाता वा, केंद्रीय भाषा भी कहा जाता वा। ठीक है, माझी नू। जे असी गल करिए दुआबी की, तो यह भी पंजाब के चार जिलों के बोली जाती है। जे असी करिए गल मलवई की, तो यह पंजाब के 15 जिलों में बोली जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, मलवई भाषा पंजाब के किन्ने जिलों के बोली जाती है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के 15 जिलों के बोली जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब के किहड़े शहर का जंगली खेतर फल सब तो घट है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के किहड़े शहर का जंगली खेतर सब तो घट आ? राइट आंसर है जी फतेहगढ़ साहिब। तो सब तो वध की दा वा, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता कि पंजाब के किहड़े शहर का जंगली खेतर फल सब तो वध आ? तो राइट आंसर आऊगा जी हुशियारपुर। हुशियारपुर के 21.4% आ जिहड़ा ये खेतरफल जंगलों के हेठ आ। ये तुसी याद रखना, पंजाब का शहर केड़ा वा जिहदे विच खेतरफल सब तो वाधा, तो हैगा जी हुशियारपुर, ते घट वाला फतेहगढ़ साहिब आ। ते जेकर सैकेंड ते पुछ लिया जावे, जिवें फस्ट ते तां हुशियारपुर आ, सैकेंड ते कौन आ? रोपड़ आ। नैक्सट क्वेश्चन, सरहंद नहर का निर्माण केड़ी नदी तो हुंदा है? राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए सतलुज। सरहंद नहर का निर्माण सतलुज नदी तो हुंदा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन इदा भी आ सकता कि पंजाब का सब तो बड़ा दरिया केड़ा है? तो तुसी की लिखोगे? सतलुज। तो रीढ़ की हड्डी केड़े दरिया नू कहा जाता है? तां भी तुसी की लिखोगे? सतलुज। ठीक है, ये तुसी याद रखना। तो पंजाब का सब तो पंजाब का सब तो छोटा दरिया केड़ा है? जेकर क्वेश्चन इदा आ जाए तो तुसी की लिखोगे? रावी। तो एट प्रेजेंट पंजाब दे विच 3 दरिया बहते हैं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन, घग्गर नदी नू होर केड़े नाम नाल जाणिया जांदा है? राइट आंसर है जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर सी हाकरा। हाकरा नाम दे नाल जाणिया जांदा है घग्गर नदी नू, ये भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, एक होर इंपॉर्टेंट गल इहदे नाल मैं दस दिंदी हाँ कि ये पंजाब दे 3 जिलों विचों हो के लंघदी है, केड़े केड़े? पटियाला, संगरूर अते मानसा। नैक्सट, पंडो नाम दा डैम केड़ी नदी ते बनिया है? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर सी ब्यास। ब्यास नदी के उत्ते पंडो नाम का डैम बनया, तो भाखड़ा डैम केड़ी नदी पर बनया? वो सतलुज नदी पर बनया, ये तुसी ध्यान दे विच रखना। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे को, प्राचीन पंजाब विच बहिंदी केड़ी नदी हुण अलोप हो चुकी आ? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। सरस्वती नदी है जी प्राचीन पंजाब दे विच बहिंदी सी, ये हुण अलोप हो चुकी आ। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ। ये वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना। तो हुण असीं गल कर लैंदे आ जिहड़ी साडी कल दी क्वेश्चनां दे विच गलती हुई आ, पहलियां दो वीडियोज़ दे विच ओह क्वेश्चनां नू असीं डिस्कस कर लैंदे आ।
तो वो मैं एक बार फिर तो माफ़ी मंगती हाँ कि अगे तो इस तरह का नहीं होगा। तो थोड़े सारे का धन्यवाद करती हाँ कि तुम गलती नज़रअंदाज करके मेरे चैनल पर अगे बढ़ रहे हो, धन्यवाद जी। अगे कर दे हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आ मेरे को कल वाली वीडियो के जिहड़े क्वेश्चन के गलती हो गई सी उहदा क्वेश्चन आ। देखो ये गलती क्यों हुई मैं तुहानू इहदा कारण दस दिनी हाँ। देखो सब तो पहला जिहड़ा तरन तारण आ ये जिला नहीं सीगा, ठीक है, तरन सॉरी आ सब तो पहला देखो तरन तारण एक जिला नहीं सीगा, एक इहदे अंडर आउंदा सीगा, ये फिरोजपुर जिले के अंडर एक शहर पैंदा सीगा, ठीक है। इस करके उस समय जिहड़ा सतलुज ते ब्यास दा दरिया दा संगम आ वह फिरोजपुर ज़िले के कहा जाता सगा भी फिरोजपुर ज़िले के होंदा वा, ठीक है। वैसे यदा जो संगम वो कितने होंदा वा, हरी के पत्तन होंदा वा। हरी के पत्तन किहड़े ज़िले के पैंदा सी उस टाइम फिरोजपुर के पैंदा सी, इसलिए मैं आंसर तुहानू फिरोजपुर दस दिता सीगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन रीड करदे आ फिर गल करदे आ अगे। सतलुज अते ब्यास दरिया का संगम कित्थे होंदा है? राइट आंसर है जी यदा मेरे को ऑप्शन नंबर ए तरन तारण। पर इस दे विच ये नहीं लिखिया सी कि वर्तमान समय दे विच सतलुज अते ब्यास दरिया का संगम कित्थे होंदा है। जेकर वर्तमान समय लिखा होंदा तां मैं जरूर इस क्वेश्चन नूं दो तीन बार देखदी ते फिर ही तुहानू दसना सीगा, सोच के ही दसना सीगा, ठीक है जी। तां मैं चलो फिर भी इन्ना तां पता ही सीगा कि तरन तारण दे विच होंदा वा। तो ये कोई भी इदा नहीं लिखा कि वर्तमान समय के तो मैं उस हिसाब न सोच रहा कि पहला ही तरन फिरोजपुर के पैंदा सीगा क्योंकि जेड़े पेपर के मैं चक्या वो पेपर पुराना सी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया हुआ सब तो पहली गल मेन यही आ कि इन्हों का जोड़ा संगम आ हरी के पत्तन हों, हरी के पत्तन पहला फिरोजपुर के एक शहर पैंता से तरन तारण के भी पैंता सी, ठीक है। तरन तारण भी फिरोजपुर के अंडर से, उस तो बाद तरन तारण एक जिला बन गया, तो जिदे करके जिहड़ा हुण इस तरह कहा जाता कि सतलुज अते ब्यास दरिया का संगम तरन तारण जिले के होंदा वा, ठीक है। इस गल का तुसी भी ध्यान रखना, तो जिहड़ियां भी बच्चे तुसी पुरानियां किताबां तो पढ़ रहे हो तो उस ते भी फिरोजपुर लिखिया ही तुहानू मिलेगा, ठीक है जी। ये भी तुसी ध्यान रखना क्योंकि मैं भी एक पुरानी किताब तो चक्या सीगा पेपर जिहड़ा, तो पुरानी किताब के आंसर तुहानू उस हिसाब नाल देते सी क्योंकि मैं सोच लिया सी कि इहदे विच वर्तमान नहीं लिखिया, ठीक है जी। अगे क्वेश्चन करते हैं, हरी के पत्तन पंजाब के किहड़े जिले विच पैंदा है? देखो पुरानी किताब तो यदा आंसर भी तुहानू फिरोजपुर मिलेगा, पर उस तो बाद केड़ा जिला बन गया सी तरन तारण, तो उस तो बाद हरी के पत्तन तरन तारण जिले के पैंदा वा, ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन साडा ये सीगा मिसटेक वाला। नैक्सट क्वेश्चन आ जी मेरे को, गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट कित्थे आ? राइट आंसर आ जी मेरे को ऑप्शन नंबर बी रूपनगर। ए बाई मिसटेक मेरे तो बोलिया गया सी ऑप्शन नंबर ए, यदी मैं ऑप्शन नंबर बी रूपनगर ही दसनी सी, ठीक है जी। गुरु गोबिंद सिंह जी थर्मल प्लांट कित्थे स्थित आ? ये रूपनगर दे विच स्थित आ। नैक्सट क्वेश्चन मेरे को, सतलुज दरिया पंजाब दे किन्ने जिलों विचों हो के गुजरदा है? वैरी वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ये। राइट आंसर आ जी इहदा मेरे को ऑप्शन नंबर बी 9। देखो मैं तुहानू पहलां भी कह के चुकी हाँ कि यह क्वेश्चन आ मैं पेपरां दे विच रिपीट ले हुए सीगे, तो उहदे विच 9 दी ऑप्शन नहीं सी। उस तो बाद मैं पुरानी किताब फोली तो पुरानी किताब के मैनू ऑप्शन मिली सी 7, तो इस करके मैं तुहानू 7 दस दिता। इत्थे भी वर्तमान की गल नहीं हुई, जे वर्तमान की गल हुई होंगी तो मैं एक बार फिर तो सोच के तुहानू दसना सीगा कि 9 ही आ, वर्तमान के तो मैनू भी पता सी कि 9 आ, पर इत्थे वर्तमान की गल नहीं हुई। तो दूजा जो मैं पेपर चक्या तो उहदे विच ऑप्शन नहीं सी 9 दी, ठीक है। हुण मैं ऑप्शन ऐड कर दिती आ, तो हुण मैं तुहानू उस वीडियो दे विच भी मैं कल तुहानू दस्सिया सीगा कि 9 भी हो सकता वा 7 भी हो सकता वा, क्यों? क्योंकि जो साडे कोले जिले घट सीगे उस जिले हुण नवें जिले ऐड होए आ, वो नवें जिले बनन दे कारण हुण 9 जिले बन गए आ, तो पहलां दे हिसाब नाल 7 ही सीगे, ठीक है। ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन की गल कर लैंदे आ हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन ये मेरे को नैक्सट पी डी एफ का आ गया, ये भी मैं मेक किया पी डी एफ आ जिहड़ा प्रीवियस क्वेश्चन का जिहड़े कि 2021 दे विच रिपीट हो चुके आ, पर इस ते हुण जे मैं वीडियो नहीं बना रही तो मैं चाहनी हाँ कि एक दो बार मैं क्वेश्चन कन्फर्म कर लाँ आप, ठीक है जी। वैसे इन्हां दे विच कुछ है नहीं गा, पर फिर भी हुण अगे तो मैं ध्यान ही रखूँगी। अगे देखो दो क्वेश्चन दूसरी वीडियो दे सीगे उन्हां बारे असीं डिस्कस कर लैंदे आ। ये मिसटेक आ जी सैकेंड वीडियो की जिहड़ी कि असी पंजाब दी पोलिटी ते मेक कीती सीगी, पोलिटी ऑफ पंजाब ते उहदे विच 6 नंबर क्वेश्चन दे विच कमेंट आ रहे ने कि मिसटेक सी। हाँ जी मिसटेक है मेरे तो, गलती दे नाल चंडीगढ़ बोलिया गया सीगा उहदे विच, तां तुसी देखो पता नहीं लुधियाना बोलता सी मैं। हाँ जी देखो ये क्वेश्चन सही करदे आ सी, श्रोमणी अकाली दल बादल दा हैडक्वार्टर कित्थे स्थित है? राइट आंसर आ जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। श्रोमणी अकाली दल बादल
ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਮਿਸਟੇਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 1966। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 1994 ਦੇ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1994 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਮੈਥ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2 ਕੁਐਸਚਨ 1 'ਚ ਗਲਤ ਸੀ, 5 1 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਡਾਊਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।